दोस्तों, आपका हमारे संकेत एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अंडे पर बिठाई जाने वाली मुर्गी, अंडे पर बिठाई जाने वाली ओरिजिनल गावरन मुर्गी कैसी होती है, आप उस मुर्गी को कैसे पहचाने और किस तरह से बिठाए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, हमारे पास ये देखिए, ये ओरिजिनल गावरन मुर्गी है। ये देखिए, ये कुड़ुक मुर्गी ओरिजिनल। ये शेड में अपने नीचे अंडे लेकर बैठती है बाकी मुर्गियों के। ये देखिए, ऐसे उठाने के बाद उठती नहीं है, फिर से अंडे पर जाके बैठती हो। अब ऐसे मुर्गी को पहचान ले वो अंडे पे बैठने के लायक है, नहीं तो कुछ कुछ मुर्गियां बीच में से उठ के जाती, फिर आपके अंडे खराब हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे पास और भी ऐसी मुर्गियां है। ऐसे उठाने के बाद भी फिर से अंडे पर जाके बैठती है। ये अंडे को हैचिंग करने के लिए बहुत अच्छी मुर्गी रहती है। जिनके पास भी ओरिजिनल गावरन मुर्गी है, वो ऐसे मुर्गी बिठा के चूजे निकल सकता है। दोस्तों, हमने तो फिलहाल अभी मुर्गी अंडे पर नहीं बिठाई है, क्योंकि हमारे यहाँ चूजे रखने के लिए जगह नहीं है। अभी आपको किस तरह से मुर्गी बिठाने उसकी जानकारी दे देता हूँ। ये देखिए, या जहाँ पर आपको मुर्गी बिठानी है वहाँ पर ऐसा चूना डाल के ले, वहाँ पे जो जंतु कुछ भी कीड़े हो गए तो वो भाग जाएंगे। मैं अभी मुर्गी इसमें ये ऐसा, ये देखिए, फिर यहाँ बीच में इसको रखना है। आप कुछ भी लेते हैं उसमें भूसा विसा कुछ भी डाल देना है। ये गेहूँ का भूसा है, इसमें आप मुर्गी बिठाएंगे। वो दिखा देते, मुर्गी को ऐसा ये सब अंडा इधर डाल के रुक। आप इस तरह मुर्गी को बिठा सकते हैं। मुर्गी के नीचे आप 20-21 अंडे निकाल रख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से बैठ रही मुर्गी। ऐसे अंडे पर बैठने से कम उसमें से 18-20 चूजे निकाल देती है। ज्यादा मोर्टिलिटी नहीं होती। आप अगर गर्मी के दिन में बिठाते तो उसको कुछ ठंडी का इंतजाम करना पड़ता है, थोड़ा हवा आने के लिए अंडे पे। आप ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा गमला वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जमीन में गड्ढा या पे ऐसा गड्ढा करके भी उसमें भूसा भी से डाल के बिठा सकते हैं। उस पे उसके ऊपर फिर ऐसा कुछ भी टोरला फिरला कुछ भी डाल सकते हैं। आप अभी कुड़ुक मुर्गी के बारे में तो जान ही चुके होंगे, उसे कैसे पहचानना है। आपके ऐसी कोई भी मुर्गी एक जगह पकड़ के बैठे तो अंडे पे बैठ जाती है, और अंडे पे सिर्फ ओरिजिनल गावरन ही मुर्गी बैठती है, दूसरी कोई ब्रीड की मुर्गी नहीं बैठती है। कुछ लोग बोलेंगे कि एक मुर्गी के बाल क्यों गए, उसके बारे में हम अगला टॉपिक जरूर बनाएंगे। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब और लाइक करते जाना, और बेल आइकन को जरूर दबाना, आपको नए वीडियो की अपडेट आएगी। अगले वीडियो में मिलेंगे।